अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह ये इस वक्त 7 बजे उठी हूँ बेटे का नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। तो ये जो है 2 अंडे मैंने लिए हैं और ये इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है मैंने। तो मैंने कहा आज आपको मैं फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ। तो चलें मैं अब शुरू करती हूँ बनाना, तो आप देखें, उम्मीद है वीडियो सही बन जाएगी। चलिए मैं ज़रा कैमरे को बैक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं ना 2 अंडे जो हैं इनको तोड़ने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए माशाल्लाह, अंडे अच्छे हैं, वरना अंडे जो है ना वो बड़े छोटे छोटे आजकल आ रहे हैं। तो ये अंडे हो गए, तो मैं डाल दीजिए। अब इसमें मैंने ना थोड़ा सा गरम दूध डालना है, थोड़ा सा, ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए और अंडे भी जो हैं इसमें वो सही से निकल जाए। तवा मैंने रख दिया एक साइड पे, मैं चाय बनी रख दूंगी। हम अंडो को अच्छी तरह फेंट लूँ, इधर साफ डाल के तो आज मेरी सर्दी हो गई है, तो देखे मैंने कहा चले आज सर्दी में मीठा मीठा खाने को दिल करते है, फिर से मीठे टोस्ट बनाते हैं। साफ चाय का पानी भी रखती है, दूध भी गर्म कर लिए चाय में डालने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पिंच सा ना वो ज़रदा कलर डालती हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं कहते हैं ज़रा जल्दी है, मुझे तो ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर भी डालती हूँ, वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, चलेंगे ना। अंडे मेरे अच्छी तरह फिट गए हैं, फैट नहीं है। लाहौर का मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया, सब ऐसे लग रहा है जैसे बाहर आ गई है, लेकिन पता नहीं मुझे इतनी सर्दी लगती है। मैं चले अंडे जो है ना वो सही से फेंटे जा चुके हैं, तो अब मैं ये टोस्ट रखती हूँ, इसमें डिप करती हूँ अच्छी तरह। अल्लाह करे चीनी पूरी हो जाए, बच्चों को कई दफा फीके रखते हैं। एक बना के टेस्ट चेक करती हूँ मैं, तो फिर दूसरा बनाती हूँ। आप आज क्या बना रहे हैं नाश्ते में? हुई हुई स्प्रेड स्लाइस टूट गया, ज़्यादा देर डिप हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको मैं जोड़ दूँगी। आप शायद बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बच्चा ऑफिस जाता है, तो चाय का पानी उबल गया, इसमें पत्ती डालती हूँ। चाय में डाल दी थोड़ी सी चीनी,
और पत्ती और एक छोटी इलायची डाली है मैंने। सुबह सुबह जरा आवाज भी नहीं निकलती सही तरह से। इसमें खत्म है लेकिन मैं ये सारी डाल दी। अभी डब्बे में पत्ती डाल रखती हूँ। चलो ये देखें स्लाइस तैयार है। एक मैंने इसमें से चेक करना है, चीनी चेक करनी है इसकी। छोटे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं लेकिन मम्मी उनकी ज्यादा उनको ब्रेड नहीं देती है। कहती है बच्चे अभी रोटी खाया करें, फिर वो अंडा और पराठा खाते हैं। बड़ा प्यारा था कहती है, ऐसा कहती है अंडा पराठा खा रहे हैं। मैं अच्छा बेटे आप अंडा पराठा खा। अभी ये हो गया, सिंदूर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय का कलर भी आ गया बड़ा अच्छा। तो अभी देखे मैं आपको ना चीनी चेक करके बताती हूँ कैसी है, तो आपको दिखाती हूँ। देखे ये एक स्लाइस तैयार हो गया, तो अभी मैं दूसरा ऊपर है तीसरा डालने लगी। ओह चीनी तो सारी नीचे बैठी है ना, कि मैंने दूध गर्म करके डाला। थोड़ी सी मैंने आग तेज की है जरा जल्दी बन जाए। बिस्मिल्लाह बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। अब मैं आपको चेक के बताती हूँ कि इसमें चीनी कैसी है बच्चे के आने तक। नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चीनी बहुत अच्छी है। हम चले अब ये मेरे दोस्त राइस बन गए और मैं ना अपने बच्चे को उठाती हूँ ताकि वो नीचे आ जाए। और चाय भी तैयार है और ब्रेड का स्लाइस भी तैयार है। अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी में गर्मियों में मौसम अच्छा हो गया है। सबसे ज्यादा खवातीन को तो होता है कि चले बिजली का बिल कम आएगा। तो ये हो गए दो स्लाइस हो गए। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही ना अब मुझे इजाज़त दें, मैं बच्चे को उठा लूँ। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो अपलोड भी नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी मेरी। आज मैंने ऐसा कर दी, मैंने कहा कि आँच पे बनते रहे और चाय की आग भी ऐसा कर देती। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। तो मैंने ज़रा बच्चे को उठाना है तो मैंने कहा वीडियो बंद कर दूँगी। ठीक है, आप देखें ये फ्रेंच फ्राई फ्रेंच टोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये बन गए हैं, ये भी अंडा पच भी गया और ये तीन बने हैं, तीन बनाए हैं अभी, एक अपने लिए बना लूँगी। तो इसमें ना वो मेरी चाय भी तैयार है। ये देखें तो ठीक है, अब आप मुझे दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।